नमस्कार, मैं किरण अग्रवाल, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से। आज आपसे अपनी एक रचना शेयर कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है करवा चौथ। ये आपको करवा चौथ की कहानी सुना रही हूँ। एक सेठ सेठानी थे, जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी, जिसमें सातों भाइयों में बहुत ज़्यादा प्रेम था बहन से। ये सातों भाई बहन सब साथ में एक ही थाली में खाना खाया करते थे। बहन शादी से विदा हो गई, वापस आई तब भी भाइयों ने साथ में ही खाना शुरू कर दिया। उसी बीच करवा चौथ आ गई। करवा चौथ आई तो भाभियों के साथ बहन ने भी करवा चौथ की, तो बहन भी भूखी थी। तो भाई लोगों को लगा कि अरे, आज तो मेरी बहन सारे दिन भूखी रह जाएगी, इसलिए वो लोग भाई लोग गए। एक भाई ने दिया जलाया, ऊपर एक जने ने चालनी लिखाई और तीसरे ने टीले के पीछे से बहन को दिखाया, उसी के प्रतिबिंब दिखाई दिया। उस परछाई को देख के बहन को कहा कि देखो, चांद उग गया है, अर्घ दे लो तो हम लोग खाना खाएं। बहन भाभियों से बोली, भाभी भाभी चलो अर्घ दे लो, चांद उग गया। तो बहनों ने भाभी ने कहा कि आपका चांद उगा है, हमारा नहीं, हमारा तो रात को उगेगा। बहन गई, उसने अर्घ दे दिया और चांद को अर्घ देने के बाद भाइयों के साथ खाने बैठी। खाने के लिए जैसे बैठी, पहले गासिए में बाल आया, दूसरे में सिवाल आया और तीसरे में उसके ससुराल से लेने के लिए आ गए। बोले, उसके पति की हालत बहुत ख़राब है। तो तुरंत जैसे ही माँ गई विदा करने, बक्सा खोली, 3 बार खोली, हर बार उसको सफ़ेद साड़ी ही मिली। उसने सफ़ेद साड़ी पहनाई और सोने का टक्का बांध के कहा, बेटा तुम जाना, रास्ते भर सबको पैर छूते जाना, जो तुमको सुहाग का आशीर्वाद दे उसको तुम ये टक्का खोल के देना। रास्ते भर वो सबका पैर छूते हुए गई, लेकिन किसी ने उसको सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। सबको ही भाइयों की प्यारी कह के आशीर्वाद दे के छोड़ दिया। भाई का सुख देखो, यही कहा। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, छोटी नंद थी, उसने उसको पैर छुआ तो उसने सुहाग का आशीर्वाद दिया। भाभी ने उसको, बहन ने उसको सोने का टक्का दिया और पैर छू के अंदर चली गई। गई तो सास ने कहा, तुम्हारा पति मरा हुआ है, जाओ सेव। उसको सेने तेल में कुप्पे में बैठ गई। हर महीने की चौथ आती गई, सबका पैर पकड़ती रही, लेकिन किसी ने उसको आशीर्वाद नहीं दिया। कहा, हम लोग से बड़ी चौथ दूसरी आएगी, उससे बड़ी दूसरी आएगी। इस तरह हर महीने की चौथ चली गई। आश्चर्य वाली चौथ ने कहा कि देखो, हम कुछ नहीं कर सकते, कार्तिक की चौथ तुम पर नाराज है, वही तुमको सुहाग का देगी। कार्तिक की चौथ जब आई तो उसने उसको पकड़ लिया। वो बोली, करवो ले घनी बुखानी, करवो ले माया की प्यारी, करवो ले भरत भांडनी, करवो ले। उसने उसका पैर पकड़ लिया। माँ, मेरे से गलती हुई, मुझे क्षमा करो और सुहाग का दान दो। चौथ माता प्रसन्न हो गई, उस पर मेहंदी में से रोली, बिंदी में से सिंदूर, मांग में से सिंदूर, बिंदी में से रोली, काजल में से मेहंदी, कोया में से मेहंदी, काजल आँखों से मेहंदी, काजल निकाल कर उसका चिरज दिया। उसका पति जिंदा होकर बैठ गया और उसने बहुत उत्सव मनाया, उद्यापन किया और शहर में हेला मरवाया कि कोई भी ऐसी गलती न करे। और चौथ माता के आशीर्वाद से उसको स्वाग मिला है। चौथ माता की जय हो। सभी को चौथ का व्रत करें। ये कथा जो भी सुन रहा है, कह रहा है, सभी को इसका पूरा फल मिले। और चौथ जय हो चौथ माता की। धन्यवाद।